हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवाण ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के लगभग 12 बजे से, और अभी मेरा दिन का खाना भी बन गया है। और आज मैं ना सुबह से ब्लॉग नहीं बना पाई, उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने सुबह से क्या क्या काम किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कमरों की मैंने पूरी सफाई करी, और यहाँ पे भी सफाई करी, देख सकते हो यहाँ पे मैंने घसाई लिपाई करी अच्छे से। शायद शाम को हम यहाँ पे खाना बना सकते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि कल की वीडियो में तो ये बोल रहे थे कि हमारे पास बस 2 कमरे हैं और इतने सारे कमरे हैं इनके, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो ये वाले कमरे हैं, ये वाला ये हमारे ताई जी का है, और ये वाला हमारा है, और ये मेरे चाचा जी लोगों का है। लेकिन सबके रूम की चाबी हमारे पास ही रहती है, मतलब उनके कमरे हमारे पास ही रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पे भी साफ़ सफाई करनी होती है, क्योंकि यूज़ भी हम लोग ही करते हैं उनको। तो यहाँ पे देखो, दिन की दाल तो बना दी मैंने, इसमें मैंने चावल रखे हुए हैं चूल्हे में, और यहाँ पे हमारी माताश्री भी लगी हुई है अपने काम पे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप लोग, सब ठीक ठाक दोस्तों। तो यहाँ थोड़ा मैं दाल को साफ कर रही थी, उसमें गारे गुरे रहते हैं ना, पत्थर पुत्थर रहते हैं, और दाल ना मन पर यही है दोस्तों हमारी दाल, जो ये सूपी पे दिख रही है आपको, यही दाल हो रखी है हमारी। ये है तोर की दाल, और ये भी तोर की दाल है, और ये भी तोर, ये कद्दू है, और ये भी कद्दू। तो दोस्तों सच में नारी देवी की कसम से सच में बोल रही हूँ मैं, दाल हमारी इतनी हो रखी है, ये मत बोलना आंटी जो बोलती है सच बोलती है। और क्या बोलते है उसको दोस्तों, इसमें भी हमने जो आज दाल बनाई इसमें भी थोड़ा सा यही वाली दाल और थोड़ा राजमा रखी, मिला के थोड़ा। मैं मिस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, किसको आपको पता ही होगा, वो धीरे बोलने वाले को, जा रखी है पंजाब, वो मेरी वीडियो देख रही होगी दोस्तों, तो उसको कमेंट करो फटाफट, वो घर आ जाए, उसके बिना बहुत ख़राब लग रहा है। जब मैं कोठी में जा रही हूँ ना, तो हम इकट्ठे जाते थे, उसकी बहुत याद आ रही है, और जल्दी से आ जा, मेरा यहाँ गला भर रहा है बहुत ज़्यादा। जल्दी जल्दी घर पहुँच जाओ, जल्दी याद आ रही है मुन्नी देवी। अभी हमारा यहाँ पे दिन का खाना होने लग गया है, और ये है मम्मी की थाली, और ये है मेरी थाली, क्योंकि मैं आजकल डाइट पे हूँ, तो मैं कोदे की रोटी खा रही हूँ दिन में, और ये दाल है, यहाँ पे संतरा भी काट रखा है मैंने, खराब हूँ आजकल, चावल ही खा रही हूँ दोस्तों, क्या करूँ मैं, सच में बहुत आदत पड़ गई मुझे सच में। तो यहाँ पे जल्दी से लंच करते हैं, उसके बाद चलते हैं कॉफी देखने के लिए, कॉफी की नखरी आदत पड़ गई हमको आजकल, नखरी आदत पड़ गई, बात की पड़ गई। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं दिन के लगभग 3:30, और हम जा रहे हैं कॉथी देखने के लिए, और मम्मी लोग भी आ रखे हैं यहाँ पे कैना लगाने के लिए। कैना लगाया दोस्तों हमने यहाँ पे, पहले इसको बटा हमने, ऐसे ऐसे करके लकड़ी से घुमाया, तो थोड़ा इसको लगाया, इसके बाद हम जाते हैं अब कॉथी। सिंगर चाची लगी हुई यहाँ पे कारीगर। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों ये देखो आज की नौकरी ये है हमारी, अभी तक ये बनाया और ऐसे लगाया, ये एक गाना भी बोलो ना, बहुत दिन से गाना नहीं, गाना आप बोलेंगे ना, इन पर काके लगेंगे अब। अंदर से देखो कितनी गांठ मार रखी, लेकिन बाहर से कुछ नहीं है, ये देखो बाहर मोल के लिए हो रही है, एक कंडी तैयार, ये मोनिका के मोल के लिए हो रही है, मोनिका के लिए होगी एक कंडी तैयार, कंडे खान तुम मत तैयार, नहीं दोस्तों सुनो, ये बोल रहे कंडे लोग, अब डोला करना तैयार, कोई बात नहीं, हम डोली भी करते थे, ले जल्दी तैयार, शादी के लिए हां तो करनी, अभी तो करेंगे डोली तैयार। यहां पे परी भी है, परी आ जाओ, और इसने ये देखो कैसी वाली टोपी पहनी हुई है, चुटिया वाली, पहले हमें भी ना बहुत शौक रहता था ऐसी टोपी पहनने का, इसको इतनी जल्दी हो रही ना वहाँ जाने की, जा भाग हम डन को थी देखो चलो तुमने हो ना।
भाई भी आ गया स्कूल से, और इसका ना स्कूल से आगे हमें सब रुपए मांगने का काम होता है, पहले नहीं मांगता था ये। रुपए कब मांगे? हाँ देखो, पहले नहीं मांगता था, अब बिगड़ गया, अब रुपए मांगने लग गया। तो स्कूल से आगे भूख भी लगी होगी ना, तो इसीलिए तो जाओ दुकान में, अब बाबू दी था जोड़ पड़ रहे तो कॉफी भी खत्म हो गया, ये भी पहुंच जाता है कॉफी देखने के लिए, ज्यादा तो नहीं देख पाता लेकिन थोड़ा बहुत। तो चलते हैं अभी घर, अनमोल को भूख लग गई होगी, है ना? भूख ले ले के खाए इसको बाद में। तो दोस्तों कॉफी तो देख लिया हमने, और अब हमारी तैयारी है गोबर ले जाने की, और ये है कंडी, इस पे काखे लगाने। रोज कॉफी देखेंगे तो गोबर कहाँ से ले जाएंगे, कॉफी भी देखो और कॉफी देखने के साथ साथ काम भी करो। और मम्मी ने सुबह में लेना एक कंडी भर के रखी हुई थी, और घर के काम में भूल गई, घर के काम में भूल गई। जब मैं घर आई मैंने गौशाला में देखा कंडी भरी की भरी, तो गुस्सा तो बहुत आया, गायल दिन दिन गायल भी दिन बोलता क्या काम था। और मैं आपको ना हमारा पुराना वाला घर दिखाती हूँ, मैं अक्सर आप लोगों को वीडियो में दिखाते रहते हैं जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना, तो यहाँ पे मेरे पापा लोगों का बचपन गुजरा है इस वाले डिनाले में। तो देख सकते हो पहले पुराने जमाने के घर ना ऐसे होते थे, तो ये वाला है हमारा घर, और यहाँ पे ये भी एक दादाजी लोगों का घर है, और यहाँ पे देखो इस तरह से मकान है पूरे ऐसे ग्राउंड में गोलाई में। तो यहीं से हम चलते हैं गौशाला, और उसके बाद आएंगे यार चाय पीने के लिए, शाम को तो चाय चाहिए ही होती है यार, आदत पड़ गई ना, तो ऐसा लग रहा है क्या भूल गए। तो पहले गोबर डाल के आते हैं, उसके बाद आएंगे चाय पीने के लिए घर। और यहाँ पे भी हैं पुराने घर, ये देखो यहाँ पे तो बहुत सारे घर हैं, ये देखो ऐसे पुराने वाले लाइन पे मंदिर के पीछे साइड। तो चलते हैं अभी गोबर लेके खेत में, अभी आगे हम गौशाला में, और यहाँ पे इतना सारा गोबर है ये सब लेके जाना है हमको खेत में, ऐसे करके ले जाएंगे एक एक दो दो कंडी हमेशा ले जाएंगे दोस्तों। और इसको जो पीठ की तरफ होता है उसको ऐसे ऐसे कीटते हैं, उसको पैर से कीटना पड़ता है ऐसे, तब घड़घड़ी रहती है कंडी, खूब घड़घड़ बने दे। यहाँ पे सिंगर चाची ने ना चौलाई काट के रखी हुई है, तो कुछ इस तरह का होता है चौलाई का पौधा, ये देख सकते हो। और इसके बीज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखो इतने छोटे छोटे बीज होते हैं इसके। चौलाई के लड्डू आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन वो वाइट चौलाई रहती है, ये लाल वाली चौलाई है, लाल मर्च, लाले मर्च ना भाई, लाल मर्च, इसके बहुत बारीक बारीक बीज होते हैं। तो यहाँ पे सुखाने के लिए रखा हुआ है चाची ने। कंडी इज रेडी, मम्मी इज रेडी, चलो तब लेट्स गो। तो दोस्तों जब मोल की कंडी रहती है ना कमर में, यानी कि गोबर की कंडी जब कमर में रहती है, उसके बाद ना व्लॉग बनाने को ही नहीं होता, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान लग जाती है, वैसे ऐसे चढ़ाई वाला रास्ता रहता है। और हम लोग गोबर लेके आए, सामने जो गांव दिख रहा है वहीं पे हमारा गांव है, तो गौशाला भी वहीं पर है। बाप रे चढ़ाई में हालत ख़राब हो जाती है यार, रोड तक ही चढ़ाई है ना, उसके बाद सीधा सीधा है रोड, और रोड के ऊपर पर ही हमारा खेत है। तो दोस्तों पहाड़ के बच्चे देखो कितने मेहनती होते हैं, अभी स्कूल से आए और स्कूल से आने के बाद सीधे गोबर डालने आ गए। अपनी कंडी दिखा दो, ये देखो पहाड़ में ना कोई भी चीज़ वेस्ट होने नहीं देते हैं, ड्रम फट गया होगा तो उसको गोबर डालने के काम में यूज़ कर लिया है ना, थोकने लगे फूल बने थे शबास, यही तो है पहाड़ियों की पहचान है ना। बस रोड में पहुँचने ही वाला है, उसके बाद सीधा सीधा रास्ता है, उसके बाद नो टेंशन। हाँ बस अब रोड में पहुंच ही गई, हाय अब जाके सुकून मिला, अब सीधा सीधा रास्ता ना, उतनी सांस नहीं फूलेगी। फाइनली पहुंच चुके हैं खेत में, और रोड है नीचे, रोड के ऊपर पे ही हमारा खेत है ये वाला। तो मम्मी गोबर डाल रही है पूरे खेत में कंडी से। हाँ तो कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे ट्रैक्टर से हल लगा रहे थे, और अभी देखो हल्के हल्के गेहूँ भी उगने लग गए हैं छोटे छोटे, ये देखो ये हमारा खेत, सबसे बड़ा खेत इस सार का, क्विनो वाली सार का। तो चलते हैं अभी घर, मम्मी तो पहुंच गई आगे, वो देखो। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के लगभग 6:30 बज रहे होंगे, और यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं आलू, और आलू की सब्जी बनेगी आज, साथ साथ में हम शाम की चाय भी पी रहे हैं, क्योंकि आज हमने शाम को चाय नहीं पी थी है ना। दोस्तों मेरा गिलास तो हो गया खाली, और इसने मेरे को बोला इसको मुझे 100 रुपए देने पड़ेंगे। क्यों? इसने मेरे को बोला था कि मम्मी अगर आप बोलोगे कि प्रेशर में क्या है तो मैं आपको 100 रुपए दूंगी। तो मैंने इसको बोला कि हाँ आलू, तब इसने क्या बोला, फिर दोबारा इसने सोचा मम्मी ने तो सच बोल दिया, फिर इसने बोला अगर एक ही बार बोलना है बल फिर से बोलोगा। मतलब आप 100 रुपए जीत गए आज, मजाक मजाक में, मजाक मजाक में जीत गए, ऐसे रोज पूछा करो ना। कमाई हो जाएगी हर दिन की, कमाई हो जाएगी। और शाम को जब हम लोग ऐसे चाय पीते हैं ना, मतलब बैठे रहते हैं, तो मम्मी और मैं ही बैठे रहते हैं,
तो हम दोनों ना आपस में खूब गप मारते रहते हैं ना, गप्पे मारते रहते। मम्मी को तो मेरे सारे सीक्रेट पता होंगे, है ना, सब कुछ मम्मी के बारे में मुझे पता। इतना किसी मेरे बेस्ट फ्रेंड को भी पता नहीं होगा जितनी मेरी मम्मी को पता है, क्योंकि हम दोनों की ना बॉन्डिंग ही ऐसी है ना। मेरी जिंदगी की जो मेरी सबसे अच्छी सहेली होगी वो है मेरी मोनिका। क्यों नहीं, सहेलियां मेरी और भी हैं, पर जितनी मोनिका की और मेरी बनती है उतनी भगवान से ही दुआ करता हूँ करता हूँ। जब भी मेरा जन्म हो, पुनर्जन्म, मोनिका जैसी बेटी मिले मुझे, सच में सहेली भी मिल सकती है, क्या पता सहेली के रूप में कुछ भी। क्योंकि हम दोनों ना एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर करते हैं, सब कुछ खूब हंसते हैं हम, मतलब दोस्त की तरह रहते हैं। ये मत बोलना वीडियो में बोलते हैं, सच में बोल रही हूँ, नारी देवी की कसम खा, हमारी बॉन्डिंग ही ऐसी है बस। तो मस्त करके यहाँ पे चाय पीते पीते गप मारते हैं। ये नहीं कि हमारी लड़ाई, कभी कभी हमारी लड़ाई भी होती है, दूसरी भी होती है, सब चीज होती है हमारी। फिर हम थोड़ी देर में मोनिका बोले मम्मी चाय पी, बोले हाँ बना, बस मामला सुलझ जाता है। मम्मी को धुआं हो गया यहाँ, होने दो धुआं, कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये देखो, ये लड़की कितनी प्यारी लग रही है रोटी बनाते टाइम, और रोटी नहीं बनाती है, क्यों इतनी अच्छे तो लग रहे हो रोटी बनाते टाइम? शर्म नहीं है, मम्मी रोटी बनाती है कभी, मम्मी तो सिर्फ खाती है। लोगों की मम्मी तो खूब बनाती है, पिलाया पिलाया बुढ़ापे में भी यहाँ रोटी बनाती रहूं। लोग व्लॉग बनाते हैं, उनकी मम्मी तो रोटी बनाती रहती है, कोई बात नहीं, उनके बच्चे भी निकम होंगे जो रोटी नहीं बनाते, देख तो मेरी तरह मैं नहीं बनाती रोटी, आज पहली बार बना रही मम्मी पता नहीं कितने टाइम बाद, क्योंकि मैं सब्जी बना रही हूँ, लेट भी हो गया है और मम्मी को ठंड भी हो रही थी, तो मम्मी ने बोला चलो मैं ही बनाती हूँ, साथ साथ में आग भी सेक लूंगी। अब ना सर्दियों में तो मन करता है जिंदगी भर रोटी बनाते रहे, ठंड होती है बहुत ज्यादा। अब मम्मी को रोटी का डिपार्टमेंट देना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कभी कभी रोटी भी बनानी पड़ती है, हमेशा बेटियां तो बना के नहीं देंगी, सही बात, इसलिए अपनी आदत भी खराब नहीं करनी चाहिए दोस्तों। कल के दिन ये ससुराल जाएंगे तो मैं भूखी रह जाऊंगी, फिर बहू आएगी ना तब, हाँ बहू वही हूँ जी, पे बस लगता है, बहू पे बस नहीं लगता है, देखेंगे तब कैसी आती है बोला अनमोल की बुआरी, कैसी आती है वो मेरे को पता है कैसी आएगी, नए जमाने की नई बहू होगी वो। तो दोस्तों अभी हमारा खाना पीना भी हो गया है, और साथ साथ में आज के व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो क्या करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना, ठंड भी हो रही है, स्वेटर खूब को पहनना, ऐसे मोटा हो जाना हमारे तरह, कपड़े पहन पहन के, बाय बाय, गुड नाइट।